हे गाइस, तो कैसे सभी लोग, मैं पता नहीं बुड़ो गाइस। और आज मैच डे टू फर्स्ट टेस्ट इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, तो चलो चलते हैं फ्रेश डे के साथ। आज के मैच हो रही है स्टार्ट चेन्नई के स्टेडियम के ऊपर। चलो चलते हैं आज के मैच की तरफ। तो चलो, यहाँ पे पहली बॉल जसप्रीत बुमराह, बढ़िया सा स्टार्ट यहाँ पे। और यहाँ पे पहला रन ऑलरेडी ले चुके इंग्लैंड, मतलब अपना दिन बहुत अच्छी जाएगी, यही कोशिश करेंगे इंग्लैंड। तो चलो चलते हैं, अच्छी बॉलिंग कर रही है बुमराह, इसी तरह करते रहो। फिर से एक बार, लेकिन इस बार पीछे की तरफ, इस बार छक्का हो चुके हैं। और इस छक्के के साथ साथ इंग्लैंड हो चुके ऑल आउट। और इंडिया का अब टारगेट लेना चाहिए, लेकिन ये टारगेट नहीं होगा क्योंकि ये टेस्ट मैच है, तो हम लोग और भी एक और इनिंग्स खेलते हैं। तो चलो चलते हैं अगले इनिंग्स की तरफ। तो आ रहे हैं यहाँ पे हमारे ट्विन ब्रदर्स, चलो चलते आगे। और यहाँ पर आ रही है इंडिया के ओपनर रोहित शर्मा और सुमन गिल। तो यहाँ पे दूसरी बॉल इस मैच का, फिर से इस बार बढ़िया सा शॉट डॉट के साथ। तो चलो यहाँ पे चार गेंदे, फिर से एक बार स्ट्रेट लगा दिया, कैच होने का चांसेस, लेकिन बच गए। फिर से डायरेक्ट हिट, इस बार एक और चांस, लेकिन बच गए। अच्छी बॉलिंग कर रही है यहाँ पे इंग्लैंड। यॉर्कर की गेंद यहाँ पे अच्छी तरह से स्ट्रेट लगा दे चुके हैं, दे चुके सिर्फ सिंगल, 7 रन के 2 रन कामयाब पे इंडिया। लास्ट बॉल 11 ओवर समाप्त हो जाएगा, फिर से सेम शॉट और इस बार चौका, इस बार गैप में थी। और इस चौका के साथ साथ, मतलब कि इस टेस्ट का, मतलब ये डे टू का पहला सेशन हो रही है, समाप्त चलता है मेरे दूसरे सेशन के अंदर। और देखते हैं आज मैच कितना दूर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया का स्कोरबोर्ड आप लोग देख सकते हैं, एक विकेट ऑलरेडी जा चुके हैं इंडिया का। तो चलो चलते हैं दूसरे सेशन के अंदर। तो आ रही है फिर से एक बार वही सेम टीम्स, सेम प्लेयर्स और हमारे ट्विन ब्रदर्स। तो चलो यहाँ पे स्पिन आउट टाइम में आप देखते हैं इंग्लैंड, फ्रंट फुट पर पहला गेंद अपील, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बढ़िया सा स्टार्ट, बॉलिंग अच्छी बॉलिंग कर रही है पे इंग्लैंड फिर से, लेकिन इस बार मेरा फेवरेट शॉट लगाने के साथ साथ जो चौका। अब ऐसी तरह खेलते हैं तो इंडिया भी जीत सकते हैं, इंग्लैंड भी। फिर से यॉर्कर और इस बार ले चुके सिर्फ सिंगल इंडिया, लेकिन डायरेक्ट ही क्यों लगाया इसका कोई मालूम नहीं है, मुझे नहीं पता। और इस सिंगल रन के साथ साथ 50 रन कंप्लीट कर चुके रोहित शर्मा। इंडिया के लिए खुशखबरी की अच्छी खेल रही है इंडिया, फ्रंट फुट पर विराट कोहली जो छक्का लगा दे चुका छक्का, अच्छी बैटिंग यहाँ पे विराट। फिर से एक बार बैक फुट पे गैप में से गई और ले चुके सिर्फ सिंगल, और 165 रन ऑलरेडी हो चुके हैं सिर्फ 2 विकेट के बारे में। तो चलो चलते हैं क्रिस ओक्स, एक बार फिर से यॉर्कर। और यहाँ पे मतलब इस टेस्ट मैच के अंदर गरम दिखाना इतना आसान ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों को मालूम है कि ये इसका मतलब है डॉट देने का समय है, अब मानने का कोई जरूरत नहीं है। तो चलो चलते देखते क्या होती है। और यॉर्कर की गेंद विराट कोहली के ऊपर आग लग चुकी है, और इस आग लेने के साथ साथ हो चुके यहाँ पे चौका। विराट कोहली बहुत गुस्सा में थी क्योंकि उसको लगाना चाहिए था, और उसने लगा दिया चौका। और इस चौका के साथ साथ एक और सेशन हो रही है समाप्त, चलता हमारे लास्ट और फाइनल स्टेशन के अंदर, और देखते हैं क्या होती है इस डे टू में, कितना दूर जाती है आज के मैच। तो चलो चलते हैं दूसरे एक और स्टेशन के अंदर। और शाम ऑलरेडी हो चुकी है, तो थोड़ी सी अंदर अंदर भी आ चुकी है, अब थोड़ी सी ढील है, लाइट थोड़ी सी कम होगी। और यहाँ पे फ्रंट फुट पे ऊपर से गई, और यहाँ पे ले चुके सिंगल। रात हो रही है धीरे धीरे, और हम भी खेल रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो चलो फिर से एक बार, और यहाँ पे फेवरेट शॉट मेरा एक बार फिर से, और इस बार हो चुके एक और यहाँ पे चौका। तो यहाँ पे फिर से एक बार आचार बॉलिंग कर रहे हैं, यॉर्कर की गेंद कैच होने का चांस, लेकिन बच गए। और ये बचा नहीं था क्योंकि अगर ये विकेट चली जाती तो इंडिया को थोड़ी मुश्किल होती थी। देखते हैं यॉर्कर का बॉल, यहाँ पे जोफ्रा आर्चर ने सेलिब्रेशन का टाइम आ चुकी है, विकेट ले चुके हैं यहाँ पे, जा रहे हैं यहाँ पे जडेजा, अच्छी बैटिंग थी यहाँ पे इंडिया का। फिर से एक बार स्पिनर्स, तो 7 विकेट ऑलरेडी जा चुके हैं फ्रंट फुट पे, और येलो एक और विकेट, धवन को कॉपी कर रहे हैं, और इस कॉपी होने के साथ साथ जा रहे हैं सबसे बढ़िया विकेट इंडिया का। 8 विकेट जा चुकी है इंडिया, खराब बैटिंग यहाँ पे, देखते हैं स्विंग और बोल्ड, यहाँ पे 3 गेंदों पे 3 विकेट ऑलरेडी खो ही चुके थे, क्योंकि अगर इस गेंदों पे ये विकेट चली जाती तो हैट्रिक हो जाएगा यहाँ पे स्पिनर का। देखते क्या होता है अगले में, तो यहाँ पे हैट्रिक नहीं हो चुका। तो चलो चलते हैं देखते हैं बेन स्टोक्स, यॉर्कर और बोल्ड,
और इस बोल्ड होने के साथ साथ आज का मैच मतलब डे टू हो रही है समाप्त। और यही था आज के वीडियो, तो मिलता अपने साथ डे थ्री के अंदर इसी टेस्ट मैच के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहेगा, हमारे चैनल के साथ ही रहेगा। बाय बाय।